चुनाव प्रक्रिया के शुद्धिकरण के लिए शुरू किया गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोकल बॉन्ड अब विवादों के घेरे में है। आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे 2 नवंबर की रकम को 2 नंबर की जो है उसे 1 नंबर करने का जरिया बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाने का आरोप लगाया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वराज एक्सप्रेस से इस विषय पर लंबी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि एक दल राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से अपने उपयोग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। 2 नंबर का पैसा पार्टियों के खाते में पहुंच रहा है। सिंहदेव ने कहा है कि रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग की आपत्तियों को दरकिनार कर सरकार ने इसे लागू किया है। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के शुद्धिकरण के लिए अगर बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो चुनाव के खर्च पारदर्शी हो जाएंगे, अकाउंटेड फॉर रहेगा, कि जिसको 1 नंबर कहते हैं कि 1 नंबर में खर्चे होंगे तो हम बॉन्ड्स को करते हैं। वास्तविकता इसकी ये है कि इसका उपयोग एक राजनीतिक दल स्पष्ट रूप से अपने उपयोग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, जो परिणाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में